गाइस, पांच दिनों के इस दीपावली महापर्व में आज हम बात करेंगे इसके तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन दीपावली की, जो कि आज का ही दिन है। और इससे जुड़ी हुई दो मान्यताएं हैं। पहली ये कि इस दिन कार्तिक माह की अमावस्या को समुद्र मंथन के दौरान धनश्री माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वहीं दूसरी मान्यता ये है कि आज के दिन प्रभु श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, जिसके जश्न में नगरवासियों ने घी के दिए जलाए थे। अब इसके बाद आता है चौथा दिन, जिसमें गोवर्धन की पूजा होती है। और माना जाता है कि इस दिन इंद्रदेव के प्रकोप यानी कि मूसलाधार वर्षा से गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। अब इस पर्व का पांचवा यानी कि आखिरी दिन है भाई दूज, जिसकी मान्यता यह है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पृथ्वी पर आए थे। तब यमुना ने उनका खूब आदर सत्कार किया था और हर साल मिलने आने का वचन भी लिया था। तब से ये दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। वैसे गाइस, आज दीपावली है तो आप सभी को A2 फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। भारत की एक ऐसी महिला IAS अधिकारी जिन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उनकी मां ने मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया, पर उस लड़की के अंदर कामयाब होने का जुनून इस कदर सवार था कि तमाम मुश्किलों को पार करके बिना किसी कोचिंग के उन्होंने दो दो बार UPSC की परीक्षा पास की, जिससे वो लड़की महज 21 साल की उम्र में IPS बन गई और 22 साल की उम्र में IAS। ये कहानी है IAS दिव्या तनवर की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहने वाली दिव्या बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर परिस्थितियों को बदलना है तो मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी, जिसके लिए उन्होंने UPSC को चुना। लेकिन कोचिंग के लिए पैसा ना होने की वजह से उन्होंने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। रोजाना 10-10 घंटे की उनकी पढ़ाई आखिरकार सफल हुई और पहले ही प्रयास में साल 2021 में दिव्या UPSC में 428वीं रैंक लाकर IPS बन गई। लेकिन दिव्या को IAS अधिकारी बनना था, इसलिए उन्होंने अगले ही साल 2022 में फिर से UPSC की परीक्षा दी और उसे भी क्रैक कर लिया। और अपने दूसरे सफल अटेम्प्ट में दिव्या ने 105वीं रैंक हासिल करके IAS का पद हासिल किया।